Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है how to balance a chemical reaction using heat and trial method. So ये एक बहुत ही important topic है, तो इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. और चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए. तो फ्रेंड्स, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने के लिए एक कुछ पॉइंट है जो कि याद रखने हैं. पहला तो जब भी हम बैलेंस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे. तो नंबर वन इज मेटल. फिर उसके बाद मेटल जब बैलेंस हो जाएगा तो फिर नॉन मेटल पर आएंगे. नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को. और जब ये भी बैलेंस हो जाएगा फिर बारी आएगी हाइड्रोजन की. तो इस सीक्वेंस में हमेशा हम बैलेंसिंग करेंगे. ठीक है, हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है. इसका क्या मतलब है कि जितना भी हमने रिएक्टेंट साइड लिया था मास उतना ही प्रोडक्ट साइड भी रहेगा. मास कभी चेंज नहीं होगा. इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल है Fe प्लस H2O. सो इससे बना है Fe3O4 प्लस H2. यहाँ पर सबसे पहले ये जान लें कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा है राइट हैंड साइड. अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड आयरन कितना है, 1 है, और राइट हैंड साइड 3 है. तो क्या हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ 3 लिख दें, हमारा मेटल बैलेंस्ड है. अब चलते हैं नॉन मेटल की तरफ. नॉन मेटल यहाँ पर कुछ भी नहीं है. अब आते हैं ऑक्सीजन पर, क्योंकि अब नॉन मेटल के बाद हमारा नंबर आएगा ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 4 है. तो क्या हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ 4 रख दें? चलिए 4 रख के देखते हैं. अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है. एक और बात ध्यान रखने की है कि जब भी हम कोई भी चेंज एक भी करेंगे रिएक्शन में तो हम फिर से शुरू से उसको चेक करेंगे. जैसे हमने अभी ऑक्सीजन पे यहाँ 4 रखा तो हम आयरन को फिर से चेक करेंगे. आयरन यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, इट मीन्स बैलेंस है. ऑक्सीजन 4 है, 4 है. अब आते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन यहाँ कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 4, 2 सा 8. राइट हैंड साइड कितना है, सिर्फ 2 है. तो 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें. 4, 2 सा 8 हो जाएगा. अब यहाँ पर हो गया फिर से. अब हमने क्योंकि एक चेंज किया है तो हम फिर से मेटल से चेक करेंगे. मेटल 3, 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8. रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया. ठीक है, यही होता है हिट एंड ट्रायल मेथड. हमें गैस करना पड़ता है. गैस करके अगर हमने एक भी चेंज किया है तो हम वापस से मेटल पर जाएंगे, मेटल को चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे, फिर हाइड्रोजन को चेक करेंगे. तो हमारा एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 Fe + 4 H2O. इट विल गिव्स Fe3O4 + 4H2. यही हमारा आंसर है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. MnO2 + HCl, MnCl2 + H2O + Cl2. सो यहाँ पर हमारा मेटल क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. मेटल है हमारा मैंगनीज, नॉन मेटल है क्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन. तो मैंगनीज को बैलेंस कीजिए. मैंगनीज इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नॉन मेटल पे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 है क्लोरीन, राइट हैंड साइड क्लोरीन 2 है. तो लगता है हमें क्लोरीन, सॉरी 2 + 2, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, यानी कि टोटल में राइट हैंड साइड में 4 क्लोरीन आइटम है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड 4 लिख सकते हैं. अब क्लोरीन बैलेंस हो गया है. अब क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से मेटल को चेक करेंगे क्योंकि हमने कुछ चेंज किया. मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, नो चेंज. अब आते हैं ऑक्सीजन पर. लेफ्ट हैंड साइड 2 है, देखिए राइट हैंड साइड सिर्फ 1 है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम
टू लिख दे, अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड टू, राइट हैंड साइड टू। फिर से मैंगनीज को चेक करिए, मैंगनीज वन, मैंगनीज वन। क्लोरीन पे क्या चेंज हुआ, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड फोर है, यहाँ पर राइट हैंड साइड फोर है, ऑक्सीजन टू और टू। अब आती आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है फोर, राइट हैंड साइड टू टू सा फोर, हाइड्रोजन बैलेंस है। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया है हमारा, MnO2 प्लस 4HCl, इट विल गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पर मेटल क्या है, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। मेटल है एल्यूमिनियम, सबसे पहले एल्यूमिनियम को चेक करेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल क्लोरीन पर आएंगे, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड टू है, राइट हैंड वन है, तो कैन वी राइट हियर टू, बैलेंस हो गया एल्यूमिनियम मेटल। अब आते हैं क्लोरीन नॉन मेटल पर, क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वन है और राइट हैंड साइड थ्री टू ज़ा सिक्स है। कैसे किया, टू इंटू थ्री, कितना मिला सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स। तो यहाँ पर हम सिक्स लिख के करें कुछ, अब हमने क्लोरीन को सिक्स कर दिया है और बैलेंस कर दिया है। तो फिर से हम मेटल को चेक करेंगे, मेटल टू है और इधर टू है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है थ्री है, यहाँ पर कितनी हो रही है वन हो रही है, तो क्या हम यहाँ पर थ्री कर दें, देखते हैं क्या होगा। अब हमने थ्री यहाँ पर कर दिया है, फिर से एल्यूमिनियम को चेक करिए, टू टू बैलेंस, नॉन मेटल सिक्स एंड सिक्स बैलेंस, ऑक्सीजन थ्री एंड थ्री। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा है सिक्स, यहाँ पर थ्री इंटू टू सिक्स, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिला है, यहाँ पर Al2O3 प्लस 6HCl, इट विल गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। वन मोर एग्जांपल टू शार्पन योर नॉलेज, C2H6 प्लस O2, इट विल गिव्स CO2 प्लस H2O। अब देख रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी मेटल नहीं है, कोई बात नहीं, मेटल नहीं है, तो फिर हम किससे शुरू करेंगे, नॉन मेटल पे आ जाते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल क्या है हमारे पास, कार्बन है, कार्बन को स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में टू कार्बन, राइट हैंड में वन कार्बन, सो कैन वी राइट इट हियर टू, नॉन मेटल बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है दो हो रही है, यहाँ कितनी है टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव। अब क्या करें, ऑक्सीजन को फाइव बनाना है, यहाँ पर टू है, तो क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड वी विल गेस, हम गेस करेंगे, हम यहाँ पर गेस करके अब फाइव तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि टू है, तो हम फाइव टू ज़ा टेन कर देते हैं, फाइव की मल्टीपल में चले जाते हैं। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन टेन कर दिया तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को टेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फोर रख रखा है, यहाँ पर वन है, तो हम क्या करें, इसको सिक्स कर दें। अब सिक्स प्लस फोर टेन हो जाएगी, फोर इधर सिक्स इधर, टेन हो गए, इधर टेन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से पीछे वाले को चेक करेंगे, यानी कि नॉन मेटल को चेक करेंगे। कार्बन यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है, यहाँ कार्बन टू है, यहाँ टू है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑक्सीजन हमने कर दी है टेन और इधर हो गई है टेन। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ हमारे केस में है सिक्स, इधर आ जाते हैं, इधर आ गई है हमारे पास सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ऑक्सीजन जस्ट डबल हो चुकी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इधर ट्वेल्व है तो यहाँ पर हम टू कर दें, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई। अब हमारा कार्बन कितना हो गया, टू टू ज़ा फोर, यहाँ कार्बन कितना है टू ही है,
फिर क्या करें? अब जब कार्बन टू है तो इसको हम फोर कर दें। अब ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब कार्बन बैलेंस हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। इधर फाइव टू ज़ार टेन है, यहाँ पर कितनी हो रही है, फोर टू ज़ार एट प्लस सिक्स ओनो फोर्टीन हो चुकी है। इधर ऑक्सीजन 14 है, इधर ऑक्सीजन 10 है, तो क्या कर सकते हैं हम, 5 को हटा के 7 कर दें। 7 टू ज़ा 14, अब ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ हो गई 7, यहाँ हो गई 4 टू ज़ा 8 प्लस 6 14, और इधर 7 टू ज़ा 14, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। कार्बन को फिर से चेक कर लीजिए, 2 टू ज़ा 4 एंड इधर 4, सो कार्बन बैलेंस्ड ऑक्सीजन बैलेंस। फिर से हाइड्रोजन चेक करते हैं, 6 टू ज़ा 12, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 टू ज़ा 12 है फिर से, यानी कि अब जाके हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो चलिए देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारा, 2C2H6 प्लस 7O2, इट विल गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। फिर से चेक कर लीजिए, कार्बन कितना है यहाँ पर, 4, और यहाँ कितना है कार्बन, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 7 टू ज़ा 14, यहाँ पर कितना है, 4 टू ज़ा 8 प्लस 6 14, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6 टू ज़ा 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 12, 6 टू ज़ा 12, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो ये तो थी सारी कहानी हाउ टू बैलेंस अ रिएक्शन यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप और नए नए रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।